सो गाइस, टेम्परेचर है अप्रॉक्स 7 डिग्री और टाइम हो गया 5:30। और यहाँ सुबह अगर मॉर्निंग में निकलना है बाहर तो पूरे गर्म कपड़े पहन लो। मैंने जो है ये गर्म वाली जैकेट पहन ली है और साथ साथ में ये जो पैंट है ये डीकैथलॉन वाली ड्यूल लेयर वाली होती है, इसके अंदर से एक लेयर होती है गर्म वाली, तो है आई होप आप ठंडा ना लगे। साथ ही साथ में ये भी पहन रहा हूँ फुल प्रोटेक्शन के साथ। थोड़े से बाल भी सेट कर लेना, ये देखो इस तरीके से फुल अपना पैक। दिवंकर भाई आए थे मुझे बुलाने के लिए तो मुझे लगा था थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन ये पहले उठ गए भैया। इसमें पानी भर दो यार। सो गाइस, भैया ने हमारे लिए बना दिया है ग्रीन टी, एकदम मस्त। अदरक वाली कैसी हो रही है? तो सुबह सुबह ग्रीन टी पी रहे हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी आ जाए, अदरक वाली है। उसके बाद तो ठंडी में ही रहना है, उसके बाद तो ठंडी में ही रहना है। तो गाइस, जो आप ये धुआं देख रहे हो ना, ये लोग यहाँ पे ये सुबह 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 उठ के मुँह हाथ धो के पूजा के लिए इसे जलाते हैं। जैसे हम लोग धूप अगरबत्ती जलाते हैं ना, ये लोग इसे सब घरों के बाहर से जल जाता है, इसे संग बोलते हैं, संग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, अराउंड 6:30 हो गया। तो गाइस, हम लोगों को यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पर रोका हुआ है, बहुत अमेजिंग है, सीरियसली इट्स क्रेजी, जस्ट सीरियस। गाइस, हम लोग उस व्यू पॉइंट से आगे निकल गए हैं, अभी हम कटाऊ जा रहे हैं। तो व्यू पॉइंट में व्यूज़ कैसे लगे मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो जो कटाऊ है भैया बता रहे हैं अप्रॉक्स 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और इट्स क्रेजी यार, मतलब यहाँ के माउंटेन्स जो लैंडस्केप है ना बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। मतलब आप आओगे जब देखोगे ना, आपको लगेगा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। मैं तो बोलूँगा कि सुबह उठना वर्थ है, आप सुबह उठो और कटाऊ भी घूमो और जीरो पॉइंट भी घूमो, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तो फिलहाल धूप आ गई है तो थोड़ी ठंडी कम हो गई है, लेट्स सी आगे वेदर कैसा रहता है और अमेजिंग व्यू भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, बस कुछ ही देर की और ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए कटाऊ। तो कटाऊ की खास बात यह है कि यहाँ से ना व्यू दिखता है और प्लस यहाँ पे बहुत अमेजिंग वाटरफॉल है, आपने वीडियो में देखा होगा छोटा छोटा दिख रहा था। चलिए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। पहले ठंडी बहुत तेज है, सीरियसली इतने कपड़े पहने, इतना पैक हूँ ना, फिर भी ठंड लग रही है मेरे को, समझ लो कितनी ठंड होगी। ये देखो व्यू यहाँ से, मेरे पीछे दिख रहा है आपको। सो गाइस, यही है, अगर आप सुबह मॉर्निंग में आ जाते हो तकरीबन 4:30-5:30 बजे तो आपको यहाँ से सनराइज़ देखने को मिलता है। ये बोल रहे कि यहाँ से जो सूरज की किरण पड़ती है इन पहाड़ों में बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो वाटरफॉल है बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आप लोगों को आवाज़ तो अभी तक सुनाई दी गई होगी। तो गाइस, हम लोग कटाऊ से आ गए हैं, बहुत सारी फोटोज़ वगैरह खींची वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग था। क्या बोलती पब्लिक, कैसा था? मज़ा आया नहीं आया? व्यू पॉइंट कैसा लगा? ज़्यादा वर्थ क्या था? व्यू पॉइंट ज़्यादा वर्थ था या वाटरफॉल ज़्यादा वर्थ था? वाटरफॉल है ना, मतलब मैं भी बोलूँगा कि यार वहाँ अगर आप व्यू पॉइंट देखने आ रहे हो उतना अच्छा नहीं है, मतलब लेकिन वाटरफॉल बहुत अमेजिंग है। सो गाइस, हम लोग वैसे ही ऑलरेडी लेट हो गए थे तो अभी फिलहाल प्लान ये है कि अभी 8 बज गया है तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो भाई बोल रहे हैं कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद फिर 0 पॉइंट जाएंगे। तो चलिए चल के कर लेते हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। व्यूज़ में तो बहुत मज़ा आ गया, काफ़ी एंजॉय किया हमने, काफ़ी अच्छी कंपनी मिली है एक्चुअली, तभी ट्रिप मज़ा आ रहा है। अगर कंपनी अच्छी होगी ट्रिप का मज़ा अपने आप आने लग जाता है। तो अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हो आप? ब्रेड और जैम। अच्छा, मुझे एक बार बताओ भैया, जैसे अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा करना है, जैसे हमने करा ये 0 पॉइंट और ये जहाँ गए थे अभी कटाओ, तो उसको कितना, मतलब पूरी गाड़ी का कितना एक्स्ट्रा पड़ता है? 6,000 तो 6,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और जो भी आपके साथ में शेयरिंग होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो
थोड़ा कम पड़ता है, तो जीरो पॉइंट और कटआउट दोनों अगर आपको एक्स्ट्रा करने हो, क्योंकि वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते। सो गाइस नाश्ते में सीन ये है कि यहाँ पे ब्रेड जाम और चाय मिल रही है, और यहाँ पे जो है सेल्फ सर्विस होती है, तो आपको ऐसे खुद सब कुछ खुद करना पड़ता है, यहाँ पे सर्व कर दिया जाता है। सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी, अगर यहाँ पे वैली में ठंडा है, आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, तो यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रेंट पे अवेलेबल है, और साथ में अगर स्नो के टाइम पे आते हो तो आप शूज़ भी वगैरह अवेलेबल है। ये देखिए, तो इसका रेट जो है 100 rupees पर पर्सन पड़ता है जैकेट का, और 50 rupees शूज़ का पड़ता है, तो आप चाहो तो रेंट पे ले सकते हो। अभी फ़िलहाल हमको बोला है भाई ने कि सामान लेके नीचे रख देना है, बिकॉज दिन में शायद नए लोग आएंगे, तो हमें अभी चेकआउट कर देंगे और फिर यहाँ से जाएंगे जीरो पॉइंट और यमथंग वैली, और उसके बाद फिर यहाँ से लगेज लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे लाचेन। सो गाइस सारा पैक हो गया है, टाइम टू चेकआउट। ये तुम्हारा भाई, और साथ ही साथ में यहाँ से मैं खिड़की से व्यू भी दिखा दूँ, मेरी खिड़की से व्यू दिख रहा था, देखो बस बढ़िया। और एक और प्रो टिप मैं देना चाहता हूँ, अगर आप जाओ ऐसी जगह तो हमेशा ड्राई फ्रूट लेके चलो, क्योंकि ठंडी जगह में ड्राई फ्रूट ज़रूरी है। साउथ गोवा में तो अभी वहाँ वही लेके जाने का है क्या? हाँ, क्योंकि मैं बार टेंडर है, उधर आइस नहीं है ना।